हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, जो किस डिपार्टमेंट के अंदर है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर। टोटल वैकेंसी 287 है। और जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, अनारक्षित पोस्ट मतलब कि ओपन के लिए 116 पोस्ट है। उसके बाद फिर एज पर कैटेगरी जो है यहाँ पे पोस्ट जो है वो मेंशन किया गया है। आरक्षण की बात करें तो रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो अनारक्षित पोस्ट में 40 पोस्ट इस तरीके से है। तो टोटल जो है इतना रिजर्वेशन है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आई हुई है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए आ रहा है कि वेतन जो है वो 57,700 और 10th वेतन स्तर 10 के मुताबिक जो है उनके स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो है वहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर आपको बी बी टेक और बी एस सी इस प्रकार से होना चाहिए, या फिर एम ई एम टेक क्वालिफाई होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। ठीक है, बी बी टेक चाहिए और एम ई एम टेक चाहिए और फर्स्ट क्लास होना चाहिए, इस तरीके से आपकी डिज़ायर क्वालिफिकेशन है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। यदि बच्चों यदि आपने डिस्टेंस लर्निंग से यदि इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसमें ये जो है क्वालिफिकेशन जो है आपका मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको रेगुलर जो है स्टडी करके रेगुलर मुताबिक जो है पढ़ाई करनी पड़े होगे तो ही जो है आपकी डिग्री जो है वो मान्य होगी। ओके, दूसरी बात, इसका जो प्रोसीजर है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14/8/2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चों 14/8/2020 मतलब 14 अगस्त 2020 से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है, यदि आप फाइनल ईयर में हो तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उम्र सीमा की बात करें तो 22 वर्ष मिनिमम एज जो है वो 22 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो कुछ नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है, मिनिमम एज जो है वो 22 ईयर होना चाहिए और 65 ईयर तक जो है उसका मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बच्चों, और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लोग बिहार स्टेट के हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए जो मैक्सिमम 10% ऑफ मार्क्स इज ऑब्टेन इन एम ई एम टेक इन द रिलेवेंट ब्रांच। यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो 10% 10 मार्क्स आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, 5% मार्क्स आपको मिलेगा यदि आपने बी बी टेक किया हुआ है, पीएचडी यदि किया हुआ है तो 5% भी मिलेगा। और यदि आप अभियंत्रिकी संकाय के लिए ग्रेजुएट टेस्ट ऑफ गेट संबंधित विषय के लिए पाठ्यक्रम लागू होगा, जो एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम होगा वो गेट के लिए गेट जैसा होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे जिसमें 80 प्रश्न होंगे और परीक्षा की समय विधि 2 घंटे की होगी एवं पूर्णांक 40 अंक का होगा। ठीक है, तो 80 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा जो सिले वेटेज जो है वो 40% से लोग लेने वाले हैं, 50% तरीके से कुछ होगा। वेटेज टू कैलकुलेट द वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 मार्क्स पर ईयर एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे वर्क किया हुआ है तो आपको 1 साल का अनुभव है तो 5 मार्क्स मिलेगा और उससे मैक्सिमम जो है वो 25 मार्क्स का आपका वेटेज मिलेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा और एकेडमिक जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स का एकेडमिक हो गया,
40 मार्क का एग्जाम हो गया, 15 मार्क का इंटरव्यू हो गया और 25 मार्क का ये हो गया। तो इस तरीके से टोटल बच्चों आप ऐड कर लीजिए, 20 और 40 60 हो गया, और 25 और 40, तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स में आपकी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चांस है और जिससे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फिर ये प्रोसीजर जो है कुछ आप पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर आप SC ST में हो तो इस तरीके से आपका जो कौन सा सर्टिफिकेट लगता है उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। सभी ओरिजिनल कॉपी जो है आपको मे बी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर अपलोड करना होगा। सबसे अच्छी बात ये मैं बोल रहा हूँ कि शुल्क जो है इस एग्ज़ाम फीस का कितना है, तो ओपन कैटेगरी के लिए बच्चों 750 रुपया है, और केवल बिहार राज्य से अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST जो बिहार के हैं वो 200 रुपया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी यदि आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए महिला उम्मीदवार है तो 200 रुपया, ठीक है, दिव्यांगों के लिए 40% या उससे अधिक हो तो 200 रुपया। इस तरीके से आपकी जो है वो एग्ज़ाम फीस वो लोग लेने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करना है, तो 13/7 से जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा बच्चों, और फिर 7/8 तक रजिस्ट्रेशन होगा, 14/8 जो अंतिम तिथि है, और फिर हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे भेजना है 24/8 तक। ठीक है, पोस्ट बाय पोस्ट से आपको 24/8 तक उसको भेज देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आपको जितना भी समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से ये सब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो डॉक्यूमेंट भी आप आसानी से पढ़ सकते हो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि किसी भी प्रकार का आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है एजुकेशनल टॉपिक पे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और कोई भी रिक्रूटमेंट को यदि इंडिया में हो इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट आ रही है तो उससे जानने के लिए जो है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग कीप सेफ।